हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्टर थर्ड का पार्ट थ्री और हम आज डिफरेंट शेप्स देखे पर हमने अभी तक देखा था कि कौन से फिगर को कितना पैरामीटर है, कितना एरिया है, ये सारे हमने फाइंड आउट किया था। तो सपोज तुम्हें बोला जाए कि तुम्हारे फ्रेंड का हाथ बड़ा है या तुम्हारा बड़ा है, तो तुम उससे क्या करते हो? ऐसे दोनों हाथ लेते हो और ये करके ऐसे करके मेजर करते हो ना, जिसका छोटा उसका बोलते हो उसका छोटा है। मैं ये सर तुम क्या करें, दो चीज़ों को बराबर मैं जब उनका एग्जैक्टली बोलना चाहिए कि भाई उसका एरिया कितना है या उसके हाथ का एरिया कितना है, तो तुम क्या करोगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे उस पर अपने हाथों का प्रिंट निकालो, पेंसिल से स्केच बनाते रहते हो ना हाथों को, वैसे बनाओ और उसके बाद उसके नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना एरिया उसने कवर किया है। आज दूसरे क्वेश्चन देखा है, इसमें हमें फाइंड आउट करेंगे कितना एरिया है। अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, देखो ट्राइंगल है, अब यहाँ देखो कितना आ रहा है, ये हाफ है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखो हाफ से ज़्यादा है, तो मैं इसको पूरा 10 काउंट कर सकती हूँ। अब ये दो हाफ है, दो हाफ में कितना हो जाएगा 11, ये दो हाफ में कितना हो जाएगा मेरा 12, कितना हो जाएगा 12। वापस देखो ट्राइंगल शेप है मेरा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टोटल पूरे स्क्वायर। उसके बाद जब मैं दूसरे जो ऐसे स्क्वायर थे जो आधे आधे थे उनका मैं देखूंगी, तो देखो ये जो मेरा टेन है ना, ये हाफ से मेरा ज़्यादा है इसलिए इसको मैंने पूरा का काउंट किया, ये दोनों हाफ हाफ थे तो हाफ हाफ मैंने लिए ना, देखो हाफ प्लस ये
इन दोनों को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, सिक्स काउंटर थ्री थ्री हाफ से स्लाइटली ज्यादा, वन टू थ्री फोर, इन दोनों हाफ को मिला के फाइव, इन दोनों हाफ को मिला के सिक्स, इन दोनों हाफ को मिला के सेवन, इन दोनों हाफ को मिला के एट, तो एफ पी का लिख आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस हम डिस्कस करते हैं, देखो ए बी सी डी ई एफ पांच है हमारे फिगर्स, सिक्स फिगर्स है, सिक्स फिगर्स से तुम्हें बोला गया फाइंड द एरिया, मोस्टली एरिया आएगा पेरीमीटर जब आएगा, जब स्क्वायर और ट्राइंगल दोनों, स्क्वायर और ट्राइंगल दो ही पेरीमीटर आता है, पर अभी तक जो भी पेपर पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उसमें अभी तक जो भी क्वेश्चन बाहर से आता है पेपर उसमें यही आया कि एरिया कितना है और ना दो एंगल्स और शेप्स को कंपैरिजन करने के लिए बोला, चाहे देखिए विच शेप इज बिगर और विच शेप इज स्मॉल। देखो इसमें क्या होगा, जो फोर पहले स्क्वायर है उसको काउंट किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये हाफ से ज़्यादा था इसलिए टेन, ये दोनों हाफ हाफ थे तो इलेवन, ये दोनों हाफ हाफ थे तो ट्वेल्व, तीन के सारे क्या थे स्क्वायर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर। सी की बात करें, वन टू थ्री फोर, ये दोनों हाफ हाफ फाइव, ये दोनों हाफ हाफ सिक्स, तो सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। डी की बात करें, वन टू थ्री फोर हाफ हाफ मुझे कितना हुआ वन, तो कितना आ गया फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर इस एफ फिगर में बीच के जो स्क्वायर है एग्जैक्टली उसको ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर, ये दोनों हाफ में कितना हुआ फाइव, ये दोनों हाफ में कितना हुआ सिक्स, ये दोनों सेवन, ये दोनों बचे एट। कभी कभी तुम्हारे जैसे ये इमेज की हुई होगी, इसको मैं लेकर वापस हाफ पर ड्रॉ कर दूँ, क्या कर दोगे ऐसे कैसा सेवन ऐसे केस ड्रॉ कर दो, उसमें स्क्वायर बना हुआ है। फिर क्वेश्चन में कभी कभी आता है तुम्हारे की सपोज एक इतना सा स्क्वायर दिया होगा, उसमें सपोज एक ऐसा शेप दिया होगा, ठीक है, फिर वही शेप क्या बनेगा कि बड़े मैप में बना, क्या बना बड़े मैप में, तो तुम्हें क्या करना है वापस वही शेप नंबर ऑफ स्क्वायर काम करें, जैसे ये हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होगा सपोज, ये हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया और यहाँ पे टू सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया होगा सपोज, तो तुम्हें उस हिसाब से ड्रॉइंग करने को क्वेश्चन आसान। अगर सपोज कोई मैं एक डायग्राम आपको दे दूँ, मैं बोलूँ मैंने ऐसे एक डायग्राम दे दूँ, अब मैं बोलूँ इसको कंप्लीट करो या तो मैं भी कंप्लीट कर सकती हूँ, इस डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस टाइप से डायग्राम बनाना चाहोगे। क्वेश्चन जैसे ऐसा है, सुरुचि ड्रॉ टू साइड्स ऑफ शेप, सी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विद टू मोर साइड सो दैट इट्स एरिया इज 10 स्क्वायर ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से
समझ सपोज इतना है 2 सेंटीमीटर्स करके बॉक्स में उन्होंने बनाने का दे सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन डिफरेंस होगी, एक डायग्राम में होगा ऐसे स्क्वायर बन गया है, डब्लू में सिर्फ इस फिगर को देखते हुए ही दूसरा डायग्राम सेम एज इट इज डायग्राम उसमें बनाना है। पर मेन क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर कवर हो रहा है, उतने ही नंबर ऑफ स्क्वायर उसे कवर इस फिगर में भी करना है। हमने क्या देखा बेटा, एरिया देखा, पेरिमीटर वापस हमें चेक करते हैं, पेरिमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स के चारों साइड जो है उनका एडिशन, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब यही जब एरिया की बात आती है तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को जितने कवर करेगा तो क्या होगा हमारा एरिया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एरिया हमारा कितना आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पेरीमीटर कितना आया 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ इतना 14 सेंटीमीटर। और हमने बस यही देखा इस पूरे चैप्टर में कि पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, फिर सेम फिगर बनाने का आसान है, जैसे मिरर इमेज समटाइम बोलते हैं मिरर इमेज का, मिरर इमेज में भी क्या बनाना, जो ये फिगर इस साइड है वही कंपनी जो है उसे बनाना। सपोज ए बना के दे दिया ऐसे, अब दूसरा साइड बनाने क्या करोगे, देखो कि वहाँ कितना स्क्वायर कवर हुआ है उतना स्क्वायर जो है इस साइड भी कवर करने को आ सकते। दूसरा कि ऐसे डायग्राम बनाओ जिससे तो स्क्वायर बना सकते। तो जैसे ए शेप है जिसे तो स्क्वायर बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब टोटल 6 बॉक्स साइड्स होंगे तो हमारे स्क्वायर कवर हो जाएंगे। तो आज हमारा चैप्टर 3 5th का वो भी खत्म होता है, दैट इज हाउ मैनी स्क्वायर्स। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज पार्ट्स एंड होल। पार्ट्स यानी कितने उसका पार्ट्स हो सकते हैं, होल में मिलके कितना नंबर डायग्राम